कर सकते कर सकते चले यहाँ देखिए सब लोग सब पप्पा हो गया हो गया हो गया। चलिए लिखा हुआ है 2400 रुपए समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर क्या दिया हुआ है 36 रुपए। समझिए क्या बोला गया है, कहानी समझाते हैं। यहां देखिए पैसा है आपका 3600 रुपए, ठीक है 2400 है ठीक 2400 रुपए। अब क्या हुआ है, एक आदमी को 2400 दिए समान मूलधन और एक और जो बगल में आदमी है उसको भी कितना दिए हम 2400 रुपया दिए, ठीक है। दोनों को किस साल के लिए दिए, दोनों को 4 साल के लिए दिए, ठीक है रीति यहां यहां ठीक है। दोनों को दिए हैं हम कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। इनको भी दिए हैं 2400, इनको भी दिए हैं हम 2400 और दोनों को दिए हैं हम 4 साल के लिए। और बोला गया है दोनों से हमको कुछ ना कुछ तो ब्याज प्राप्त हो रहा होगा ना। बोला गया है कि दोनों से जो हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है वो दोनों का जो अंतर है, वो दोनों का जो डिफरेंस है वो दे दिया है 3600 रुपया। यही बोला गया है। इसका मतलब जो पहला आदमी से जो हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, सपोज दैट कि S1 प्राप्त हो रहा है पहला आदमी से, और जो दूसरा आदमी से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस क्या दे दिया है आपका 36। हर बार क्या देता था, इससे पिछला जो क्वेश्चन करवाए थे ये दोनों का सम दिया था ना, याद है दोनों का सम दिया था, अब ये दोनों का डिफरेंस दे दिया है। पूछा क्या है कि बताइए रेट में डिफरेंस क्या है, बताइए रेट का डिफरेंस क्या है, बताइए रेट का डिफरेंस क्या है, मतलब रेट परसेंट का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है, ठीक है रेट परसेंट का डिफरेंस निकालना है S1 - S2। सर S1 क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है SI1 और ये क्या है SI2। इसके लिए चाहिए P, इसके लिए चाहिए क्या R, इसके लिए चाहिए क्या T बटा 100। इसके लिए भी P, इसके लिए भी R, इसके लिए भी T बटा 100। यही क्या दे दिया है आपका 36, सही है। सर रेट का डिफरेंस निकालना है, सर अगर रेट का डिफरेंस पूछा है, है? सपना यहाँ बैठी देर वहां बगल है बोल वहां दिक्कत हो यहाँ नहीं। और प्रिया थोड़ा घर सकिएगा सपना उसमें उसमें जाएगी तो सपना दिक्कत होता उधर देखने में आपको, वही तो अभी पता चला इनको देखिए दुख। ठीक है वो कोना में कोई ना बैठे हैं उसमें कहे कि उसमें दिक्कत होगा देखने में बच्चा, ठीक है चल। अब ये क्या दिया हुआ है सर, पी मूलधन मेरा समान है ना, तो यहां पर मेरा प्रिंसिपल क्या होगा 2400, रेट क्या है मेरा वही तो निकालना है। अच्छा रेट का अगर डिफरेंस पूछा है इसका मतलब ये पता होना चाहिए रेट का डिफरेंस, इसका मतलब दोनों आदमी को अलग अलग ब्याज की दर पर दिए होंगे, ये है ना। अगर हम बोले हैं कि वो दोनों को हम कितना रुपया दिए हैं डिफरेंस बताओ, इसका मतलब है कि वो दोनों को हम अलग अलग रुपया दिए है ना। तो अगर रेट का डिफरेंस पूछ दिया है इसका मतलब दोनों को हम अलग अलग रेट पर दिए होंगे, ये समझ में आ रहा है। तो सर ये क्या दिया हुआ है आपका आर, और टाइम क्या है मेरा 4/100, और प्रिंसिपल क्या है मेरा वही है 2400,
आर क्या है मेरा, निकालना है छोटा आर मानते हैं, टाइम क्या है 4/100 इज इक्वल टू 36, यही है सर। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, हमको डिफरेंस निकालना है ना, आर माइनस आर निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए सर, ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया, ठीक है, यहां पर भी 24 है, यहां पर भी 4, यहां 4 है, यहां पर भी 24 और यहां 4, मतलब ये दोनों में 24 को कॉमन और 4 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4, सही है। तो यहां से लिए हम लोग क्या 24 और 4, तो यहां बचा r और वहां भी बचा माइनस r इज इक्वल टू 36। इसका मतलब ये है कि सर फाइनल रिजल्ट r माइनस r ही तो रहेगा ना, समझ में आ रहा है ये वाला, और यही निकालना बस। तो ये 24 को काट दें, 36 तीन बार में और ये 24 दो बार में, ठीक है, मतलब 3/8 r माइनस r इज इक्वल टू 3/8, इसको 37.5% ना बोल दीजिएगा, समझे, 3/8 को सीधा नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो 3/8 इसको डिवाइड कीजिएगा, लेकिन सर ये तो पता है ना, कुछ तो होगा जो इसको डिवाइड करने पर 37.5 के लगभग में आता है, तो एक एक ऑप्शन में होगा, देख लीजिए सर, इसको डिवाइड कीजिएगा, यहां देखिए सब लोग एक बार, 3/8 होता है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो लिखिएगा यहां 0 0 और यहां पॉइंट दीजिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 बार में आएगा 24, ये कितना आएगा 6, फिर यहां दीजिएगा 0 और यहां कितना आएगा आपका 7, कितना आपका 56, फिर आएगा 4, फिर दीजिएगा 0, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा आपका 40, तो आ गया 0.035% है क्या ऑप्शन में, है ना, बुझाया। अच्छा किसको किसको ये दिक्कत हुआ कि सर 3/8 को 37.5% बोलते थे, अब ये 3/8 को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले क्या करते थे सुनिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए, पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले फ्रैक्शन दिया हुआ रहता था, पहले क्या रहता था, ये फ्रैक्शन है ना, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करते थे, जिसका मान हम लोग क्या लिखते थे 37.5 इसका मान लिखते थे ना, लेकिन सर यहां पर हम लोग ये तो पहले से ही परसेंटेज में है सर, ये तो पहले से ही रेट परसेंटेज में है, ये तो पहले से ही परसेंटेज में, समझे, ये पहले से ही मेरा परसेंट में, रेट तो परसेंट में ही आएगा ना, तो ये पहले से ही परसेंटेज में, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं 100, उतारिए इसको तुरंत, और इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्यों नहीं किए क्यों नहीं किए, ये सब ऊंची वो चीज है। कौन है, अब्दुल कैबिन में छोटा वाला कॉपी होगा लेकर के आइएगा, छोटा कॉपी, शिवजन, चंदन, चंदन बाहर है, गोविंद आए हैं, शिवजन आए हैं, संतोष तबीयत खराब है, सुनील, देवानंद नहीं,
वसीम पापा का तबीयत खराब है, आमिर आए हैं, अरविंद कहाँ है, कल आए थे ना कॉलेज गए क्या, मैच चल रहा है, गर्ल्स लोग इसीलिए क्या, मेरू लाल गजब अभी मानना पड़ेगा आप एकदम रेगुलर, वेरी गुड। आमीन नहीं है, दिनेश सही है, प्रिंस वो बैच में चल गए हैं, मुन्ना है, रविंदर कहाँ गायब है, गायब, मृत्युंजय है, निर्मल जोश कहाँ से आएंगे भैया, जोश का तो फुटबॉल का मैच है आज, शबनम आए हैं। अच्छा कितना लोग एब्सेंट जरा गिनिएगा ठीक, रेगुलर में वो गिनिएगा तो चंदन गिनिएगा, कौन गिन रहे कहाँ, मृत्युंजय गिनिएगा ठीक, चंदन गिनिए तो, और देवानंद गिनिए, वसीम गिनिए, आमिर जोश, सबनम नहीं, जोश कीजिए पांच, जोश, मनीषा आए हैं, शीला नहीं है, सुधा आए हैं, सुष्मिता एब्सेंट, सुष्मिता, दिव्या यस, दिव्या आए है ना, यस आया, प्रियंका आए, पुष्पलता आए, आरती आए, गुड़िया 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 गुड़िया, प्रिया गुड़िया का, प्रिया गुड़िया का, डेविड है, दयानंद उसमें चल गए, प्रीति हाँ, प्रिया दोनों है, आनंद प्रेजेंट, सपना काजल प्रभा नहीं है, प्रभा किनके साथ, निर्मला प्रभा नहीं आएगा, प्रभा शांति, चमेली सुजाता, अनिल भूल गए क्या, प्रभा एब्सेंट है, शांति एब्सेंट है, चमेली एब्सेंट है, सुजाता एब्सेंट है, निर्मल एब्सेंट है, सॉरी नहीं बोलते हैं, अनिल एब्सेंट है, राजू दिल्ली एब्सेंट है, जगदीश सुशील, जितेंद्र, कितना लोग एब्सेंट है, 16 लोग एब्सेंट, देखे देखे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्या लिखा हुआ है खाली सुनिएगा ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, दिया हुआ है कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, याद देखिएगा, यहां समझिएगा ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और समझिए क्या है, एक धनराशि 100 वर्षों में कितना गुना हो जा रही है, 36 मतलब 36 गुना हो जा रही है ना, एक धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जा रही है, अच्छा धनराशि 36 गुना हो जा रही है इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा, कितना आए सर, अगर एक आदमी के पास धनराशि 36 गुना हो गया इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा, 35 रहा होगा ना, धनराशि 1 से 36 हो गया मतलब ब्याज कितना बढ़ा होगा, 35 बढ़ा होगा ब्याज, समझिएगा, एक धनराशि 1 वर्षों में सॉरी 100 वर्षों में कितना गुना हो गया सर, ब्याज कितना बढ़ा 100 साल में, 100 साल में 35 ब्याज बढ़ा, ये पता चल रहा है ना, नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, समझिए
यही धनराशि को अब कितना गुना होना है? 29 गुना। क्या इसमें रेट का बदलाव बोला है क्या? क्या इसमें कोई प्रिंसिपल का बदलाव बोला है क्या? नहीं, वही प्रिंसिपल है, वही रेट है। ठीक है, समझिएगा, ये धनराशि को कितना गुना होना है? 29 गुना होना है। 29 गुना होना है, इसका मतलब ब्याज कितना होगा? 28। यही है ना सर? साल निकालना है सर, 100 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 100 साल में 35 ब्याज बढ़ रहा है, तो 28 समझिएगा। 100 साल में यहां दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहां क्या पूछा गया है समझिए, ये क्या है आपका ब्याज है ना, क्या है सिंबल में रहने दीजिए, 35 यूनिट कर लेते हैं, ठीक है, ये 28 यूनिट। देखिए सर, 35 ब्याज बढ़ा, 35 ब्याज बढ़ा, ऐसा ही बढ़ा 35, कितना साल में? 100 साल में। सर 35 ऐसा ही बढ़ा है आपका 100 साल में, कोई दिक्कत यहां तक? हमको निकालना है कि 28 एसआई कितना साल में बढ़ा है, यही ना सर? एक एसआई, एक सिंपल इंटरेस्ट कितना साल में बढ़ेगा सर? 100 साल बटा 35 होगा, होगा ना सर? 35 एसआई, 35 रुपया बढ़ा है कितना में? 100 साल में। 1 रुपया बढ़ेगा 100 बटा 35 साल में, ठीक है, 1 रुपया बढ़ेगा 100 बटा 35 साल में। हमको निकालना कितना है? 28, मतलब हमको बढ़ाना कितना है? 28 एसआई कितना में बढ़ेगा सर? 100 ईयर बटा 35 इंटू 28 होगा ना सर? 7 से काटेंगे 5 बार में सर, 7 से काटेंगे इसको 4 बार में, और ये जाएगा 20 बार में, 20 चौक 80, मतलब 28 बढ़ेगा कितना साल में? 80 साल में। समझ में आया? एक सिंपल सा लेंदी फालतू क्वेश्चन है, और सुनिए, कोई बनाइएगा मत, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन अगला करवा रहे हैं, सुनिए केवल खाली, आप अगला चेंज है, ठीक है, सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, मिटाएंगे नहीं, सुनिए 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 सर, अगर यहां पर ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन क्या घुमाएगा पता है? जो कि अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या घुमाएगा वो देखिए, यहां पर 28 की जगह हटा देते हैं 28 को, और यहां लिख देते हैं 80 साल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, एक धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाती है, ये क्वेश्चन है, ये बोला गया है, वही धनराशि 80 सालों में, सुनिएगा, वही धनराशि 80 सालों में कितना गुना हो जाएगी? बन सकता है क्वेश्चन, है ना? एक धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाती है, वही धनराशि 80 सालों में कितना गुना हो जाएगी? सही है, आप समझिए यहां पर, मतलब हमको क्या निकालना है, ये एसआई निकालना है, अगर ये एसआई निकल जाएगा तो 1 प्लस एसआई, तो यहां पे अमाउंट लिख देंगे, ये कर सकते हैं ना सर? पता चल रहा है, एक धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाती है, एक धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाती है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 35 बढ़ रहा है, 35 बढ़ रहा है कितना साल में? 100 साल में। सर 100 साल में, अब यहां उल्टा करेंगे, हमको निकालना क्या है, ऐसा ही निकालना है ना सर? 100 साल में, 100 साल में कितना बढ़ रहा है मेरा? 35 बढ़ रहा है, है ना सर? एक साल में कितना बढ़ेगा? 35 बटा 100। हमको निकालना है 80 साल में कितना बढ़ेगा, तो 80 साल में निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 35 बटा 100 इंटू
20 से गया ये चार बार में, 20 से गया ये पांच बार में, ये कितना बार में, सात बार में, सात चौक 28। सर 100 साल में अगर 35 बढ़ रहा है तो 80 साल में कितना बढ़ेगा, 28। और वो धनराशि एक पहले था, 28 बढ़ा तो कितना हो गया, 29। मतलब सुनिएगा, आप आंसर बोल रहे हैं, एक धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है तो वही धनराशि 80 साल में 29 गुना हो जाएगी। इस टाइप से ही पूछा जा सकता है और इस टाइप से ही पूछा जा सकता है। या तो यहां पर इसको बंद करके ये वाला पूछ देगा या फिर ईयर को पूछ देगा। समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है, अब उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन है उस टाइप से, हम बता देंगे। आनंद कहीं दिक्कत, कहीं पर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। प्रिया आपका हाइट है ना, भरिएगा ना जीडी का, तो डेढ़ बजे क्लास कहने आ रहा है, अभी घर जाएगा। कौन थप्पड़ मारा था? दिव्या पापा से मिलाइए एक बार, मेरे पापा से। दिव्या पापा से तो लात मारना पड़ेगा भोरे भोरे, जो उल्टा पैदा हुआ था जैसे कि हम लेकिन हम मारेंगे नहीं, कहे कि आप लोग भगवान है ना, पागल है मेरे लिए ना ना जो हाउस सब मैंने पता, लेकिन हाँ कितना लोग को ठीक किए हैं लाते लात मार के। भगवान है बप्पा, मतलब देवी है। हो गया ये वाला, नहीं उतार रहे हैं, उतार लीजिए आराम से, उतार लीजिए। जिंदगी कैसी कट रही है आप लोगों की, कट रही है बस, कट रही है। दिव्या गाली दे रहे हैं, आप लोग बताइए जिंदगी कैसी कट रही है। गोविंद क्या क्या चल रहा है लाइफ में, गोविंद कैसा है जिंदगी, हम ये बताइए क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा शांति भरा माहौल में जरा पता कर लें कि आप लोग चल क्या रहे, आप लोग कर रहे हैं खोलिए पूरा। सर
धूप लगता है। धूप आ रहा है अभी? अभी काले के चेहरे पे पूरा धूप आ रहा है, हटा दिए। गोविंद दिन 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 भर कैसा चल रहा है लाइफ? दिनेश, दिनेश क्या सोचे आगे? एक मिनट, थोड़ा शांत रहिए ना मैडम, थोड़ा शांत रहिए बाबू। दिनेश क्या सोचे हुए, कैसा कर रहे हैं, एक दिन में कितना घंटा पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए बात ऐसा है कि अब धीरे धीरे ना, अभी आप लोग को एहसास नहीं होगा। अभी जैसे आप लोग का चालू हुआ था, आप लोग का बैच कब चालू हुआ था? 1 जून को ना, 1 जून चालू हुआ था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5वां महीना खत्म हो गया, ठीक। और आप लोग 5 महीना में अपने अंदर कुछ तो चेंजिंग देखे होंगे ना। अगर शुरुआत से बने हैं तो कुछ बदलाव आया, कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? तारीफ करने में खराब लगता है मेरा, कौन जाना उनको बता देते हैं मेरे। सुधा, कुछ बदलाव आया अंदर से? मैथ का क्वेश्चन अब मैथ बनता है? कहाँ गए सुनील बाबू? बन रहा है क्वेश्चन सर, धीरे बन रहा है ना। आप लोग तुरंत मत अकबका जाइएगा कि साला 5 महीना हो गया, समझे? लेकिन हाँ, अंदर से अब बदलाव होना चालू हो जाएगा। आप लोग को एक बात याद रखिए कि पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, समझे? और अभी देखिए अमन के बाकी लोग, फ्रेंड लोग है ना, अमन जॉय किए थे बीच में, इतना एब्सेंट मारे हैं, इतना एब्सेंट मारे हैं कि फाइनली इस बैच में आना पड़ा होगा। अभी एब्सेंट करेंगे तो फाइनली थर्ड बैच में जाएंगे, समझे? और अभी कुछ लोग इतना एब्सेंट कर रहे हैं ना कि कोई जवाब ही नहीं है। देख रहे हैं आपके सामने, देख रहे हैं कितना लोग एब्सेंट कर रहे हैं। जो मजबूरी है सब मान सकते हैं, लेकिन एक दो लोग का हम बता सकते हैं है ना, कि एक दो लोग का फ्यूचर जीरो है, एक दो लोग ज्यादा लोग। हम यहाँ पर खड़े होकर के ये भी देख लेते हैं, जैसे आज नया बैच जो था ना, नया बैच, उसमें हम 2-3 लोग के बारे में बताएं कि अगर सिंसियरिटी सीखना है, मतलब कि सिंसियरिटी सीखना है, तो एक लड़का है जेम्स नया बैच में, उनसे सीख लीजिए, वो उन लोग को बताएं है ना। और थोड़ा एक्टिवनेस सीखना है तो सोनू से सीख लीजिए, वो सोनू आते हैं है ना, इसमें नहीं फट गया। और ये वो गर्ल्स के बारे में बताए थे कुछ, नीलम, मतलब कि ठीक है वो भी हर चीज़ में पूछना चाहे कुछ करने में नीलम से सीख लीजिए। तो 3 कंपटीशन के लिए ही 3 चीज़ चाहिए होता है, समझे? और आप लोग के अंदर धीरे धीरे करके ही बदलाव आए। हम 2018 का अप्रैल में चालू किए थे और जा करके पूरा तेज होने में, पूरा कंठस्थ होकर के कंपटीशन को एकदम बैठ करके समझने में अच्छा से हमको 2020 तक लगा। इस बार का CGL में जो रैंकर लाया है इस बार का CGL में, उसके बारे में कभी सुनिए एक बार, वो क्या बोला था कि 2019 में फॉर्म जब भरे थे है ना, उसमें भी छटा गया था। अगर 2019 में वो फॉर्म भरा होगा, इसका मतलब तैयारी कर रहा होगा, 2 साल तो लगा होगा कम से कम है ना, 2 साल तो लगा होगा, मतलब 2017 से आदमी तैयारी कर रहा है, वो लोग 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितना साल हो गया, ठीक है। अब ऐसा ऐसा आदमी भी है जो 2 साल का फिर हो जाता है, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं है ना, लेकिन अगर 4-5 साल का मेहनत, 4-5 साल ज़्यादा हो जाता है, 2-3 साल का है ना, हार्डली 2 साल, 2 से 2.5 साल तो मेहनत करना चाहिए। लेकिन आप लोग को सीखने का उम्र एक होता है ना, कि जो सीखने का उम्र होता है ना, जो लेट से चालू किए हैं उनको हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो सीखने का उम्र होता है, जो सही टाइम पर चालू किए हैं, वो केवल 25 साल तक ही होता है ना, जो सीखने का उम्र होता है। और 25 साल के बाद आप लोग को सिखाने का उम्र होता है
है ना। तो 25 साल तक एकदम कोई अलबकाइए मत, हम 25 साल तक कुछ नहीं किए थे सर, एक रुपया नहीं कमाए थे, एक रुपया नहीं कमाए थे, हम बता देते हैं कसम 25 साल तक हम एक रुपया नहीं कमाए थे। बाबूजी बोले कि थोड़ा, हम मतलब घर वाला भी बोला था कि थोड़ा मोड़ा, बहुत दोस्त लोग बोलते थे कि थोड़ा अपना कोर्ट फीचर निकाल ट्यूशन से पढ़ा करके, पागल है क्या, बाबू जी कमा रहे हैं, जब कमाएंगे तो अपना दौर आएगा। 25 साल तक खाली नॉलेज दीजिए, खाली नॉलेज, समझे, एक जगह से नहीं हो रहा है, दूसरा जगह से, इधर से, हर जगह से बटोर करके नॉलेज आप लोग 25 साल कर लीजिए, है ना। 25 साल के बाद नॉलेज का अपना सामने वाला को दीजिए अपना नॉलेज, समझे। तो इतना बकाइए मत, 21 साल हो रहा है, 20 साल हो रहा है, 23 साल हो रहा है, 23 साल कोई ना कोई क्या उम्र, 23 साल की उम्र होता है, 23 साल 24 साल कोई उम्र नहीं होता है, 25 साल हम इतना सिंसियर हैं, हमको पता चला कि हम सिर्फ 24 साल में कम बच्चा है चलते हैं, हम 23-24 साल में ऐसा ऐसा फैसला लिए थे कि बना सर हम पागल हो थे, ऐसा ऐसा करते थे हम, 23-24 साल का बच्चा हमें तो दिमाग नहीं होता है सर, बस भले पड़ जाता है, दिमागवा से नहीं बढ़ता है। तो आप लोग अभी अपने आप को केवल नॉलेज पे काम कीजिएगा। हाँ अभी अजय नहीं, अजय जो अजय आते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि सीता साहब, उनको मेरा बात ठीक लगता है, अब समझते नहीं बोले सर एक फॉर्म नहीं भरेंगे, सीता फॉर्म भरेंगे 2025 में, अब 2023 अब देखें 24 साल पूरा सीखेंगे, 2025 फॉर्म भरेंगे, सरकारी थोड़ी सरकारी जब खत्म होने वाला है तो उस समय तक रहेगा, 21 साल हो रहा है 2025 में 23 साल के रहेंगे, 23 साल में नौकरी लेते मजा आ, 37 साल तक सरकार देगा पैसा, 60 साल तक देता है ना, अगर 2-3 साल का मेहनत रगड़ के मेहनत करने के बाद एक सही जॉब आप लोगों को मिलता है तो ये बात याद रखिए कि 2-3 साल आप लोगों को रगड़ के मेहनत करना है, और 2-3 साल करना पड़ेगा आप लोगों को, समझे। इसीलिए अपना मकसद को तय कीजिए, एक दिन में घंटा घंटा पढ़ाई किया जाए, बुक बनाइए, अभी तो हम लोग कैट का बुक बना रहे हैं, हम लोग नेट से खोजते हैं बुक, जैसे आप लोग भी क्वेश्चन को खोजा कीजिए, क्वेश्चन को खोजिए, ये सब कीजिए, समझे, लेकिन मन से क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को समझिए, ये सब क्वेश्चन में कोई औकात नहीं है, आप लोग रियल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग रियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक एक मैथमेटिक्स एक एक बुक है, एक एक मैथमेटिक्स का एक एक बुक है, एक थ्योरम का एक एक बुक है, हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सही पढ़ते हैं ना, मतलब हम लोग अप्रोच लगाने सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को देख करके आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं, समझे। बहुत आदमी इसको लेंथी से बनाएगा, बहुत आदमी इसको शॉर्ट से बनाएगा, तो वो अप्रोच पर निर्भर करता है, और बोले तो ये पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग का अप्रोच कब बढ़ गया, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, तो अपने आप को समय दीजिए, यही हम खाली हम यही बोलते हैं, यहाँ का बहुत सारा टीचर हम अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर लोग से बात नहीं करते हैं, बहुत सारे टीचर लोग से हम खाली यही बात करते हैं, लोग क्या बोलता है पता है खाली, सब्र ही नहीं है सर, सब्र ही नहीं, और जो बच्चा लोग में सब्र है वो तेज होते जाता है धीरे धीरे कर, समझे, अपने आप में सब्र रखिएगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल क्या फर्क पड़ता है, है ना, लेकिन एक लिमिट तक कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 40 साल हो गया तैयारी करते हैं, इतना होता है बोलना कि घूम के तैयारी कीजिए, लेकिन जो लेट से चालू किए हैं उनको हम नहीं बोलते हैं, फैमिली कंडीशन कुछ खराब होता है किसी किसी का कि लेट से चालू करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का मजबूरी नहीं समझ सकते हैं, है ना, कोई है जो 16 साल तैयारी कर रहे हैं, 16 साल उम्र में ही कर दिए, जैसे कि मिथिलेश 16 साल का लड़का चालू कर दिए, अब कोई आदमी 24 साल में कर रहा है, कोई कंडीशन उस समय उसको उसका पास पिछ रहा होगा, है ना, लेकिन हार्डली कम से कम अपने आप को जो पहले चालू किए हैं वो तो बहुत लकी हैं, और वो कम से कम अपने आप को 24 से 25 साल उम्र तक इतना नॉलेज बटोरिए कि जब मार्केट में निकलिएगा ना
हमको बहुत से जब कोचिंग खोले तो हमको बहुत बात है क्या कि अरे मोहल्ला तरफ खोल के एक बार पहले देख तो लो एक बार, है ना, मोहल्ला तरफ खोल लो एक बार, ट्राई कर लो, है ना। हम बोले पागल है क्या हो सर, छुआ गया। हम बोले हम पागल है क्या, चला 3 साल से इतना मेहनत कर रहे थे अपना घर बगलों खोलने के लिए, 3 साल तक मेहनत की है, धून के एकदम मैथ पढ़े, उसके बाद सीधे मार्केट में आए, कोई अगल बगल नहीं खोलेंगे, सीधे मार्केट में खोलेंगे, जो अगल बगल वाले सबसे कंप्लीट करेंगे लेकिन मार्केटिंग में करेंगे, जो बेइज्जती सहेंगे मार्केटिंग में सहेंगे। तो अपने आप को उस लेवल पर बैठा लीजिए कि जब मार्केट में निकलिएगा तब एकदम अच्छा से निकलिएगा, समझे। मुंजवा का जैसा खाली मत कीजिएगा, एकदम अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रूटीन को फॉलो कीजिए, समझे, रूटीन को फॉलो करके पढ़िए, वरना केवल तैयारी करते रह जाइएगा कोई फायदा नहीं होगा, समझे, केवल तैयारी करते रह जाइएगा कोई फायदा नहीं होगा। और एक एक एग्जाम का फॉर्म भरा कीजिए, हम तो यही बोलेंगे, अब आप लोग को हम बोलेंगे कह के फॉर्म भरा कीजिए, जिनका हाइट नहीं हो रहा है, जिनका उम्र हो रहा है, जो फॉर्म भरने के लायक है, मेडिकली फिजिकली फिट नहीं, लेकिन सर आपको एग्ज़ाम देने से कौन रोक रहा है, आप एग्ज़ाम दीजिए ना, एग्ज़ाम दे करके अपना औकात तो पहचानिए, शुरुआत में पैरवा कांपेगा, समझे, शुरुआत में पैरवा ये वैसे करेगा, सलाह बना रहे हैं, बीपी हाई लगेगा, पता है, बना रहे हैं, उन्हें से आएगा आंग उठा लेने के लिए, तो अजीब लगेगा, पक सला है ना, ऐसे करके अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब पूरा पेज रफ कर चुके हैं, एकदम लिखने ही वाले थे आंसरवा कि बोलेगा सर आपका आंग उठा रह गया, से आप साला लिखने वाले थे, खोजिए कहाँ लिखने वाले थे, उसे फ्रस्ट्रेशन लगेगा, एग्जाम के बीच में आएगा, बीच में आएगा, लेता है, आंग उठा, मतलब एग्जाम के बीच में लेगा, और वो सब भी आप लोगों को झेलना होगा, तो अपने आप को उस तरह के लायक बनाइए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। अब एक एक लाइन लिख रहे हैं, केवल सुनिए यहाँ पर, एक धनराशि 12 वर्ष में कितना गुना हो गई है, मतलब एक से कितना हो गया है, कितना साल में, 12 साल में, ब्याज कितना बढ़ा है, 6, मतलब अगर 12 साल में 6 बढ़ा है तो हर साल आधा बढ़ रहा होगा ना, ये समझ में आ रहा है, हर साल आधा बढ़ रहा होगा, तो बोला गया है कि 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। सर अगर हर साल आधा बढ़ रहा है ना, 6 साल 12 साल में 6, मतलब 42 साल में 21 बढ़ा होगा, दिमाग में आया, हाँ सर, एक निहायत ही सिंपल है कि अगर 12 साल में 6 बढ़ा है तो एक मतलब कि यहाँ 12 तो आधा हो रहा है ना, हाँ, तो सर यहाँ पर बोला क्या गया है कि सर 42 साल में कितना गुना हो जाएगी, सर 42 साल में 21 बढ़ेगा, 12 साल में 6 बढ़ रहा है तो 42 साल में 21 बढ़ेगा, आधा हो जाएगा ना, तो सर अगर पहले 1 था 21 बढ़ गया तो अब कितना हो गया आपका, 22, मतलब कितना गुना हो गया है, 22 गुना हो गया है आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो हर एक पैटर्न को कवर करना है, समझे, तो ये सब एक सिंपल डेली लाइफ पर आधारित है, ये सब पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, खाली करते जाइए, मस्ती से करते जाइए ये सब क्वेश्चन, समझे। अच्छा आप लोगों को एक चीज लगता होगा, मतलब हाँ लगता नहीं ना कि सर को भी कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, क्या सलाह छुट्टी करते हैं, मतलब कि पर अब फ्रस्ट्रेटेड लगता है, इधर क्या कितना पढ़ाएंगे, इधर पढ़ते है ना, सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 3:30 बजे, है ना, वो भी रेगुलर, है ना, पता है सबसे पहला काम क्या करते हैं अपना, कि सलाह अपना जो मन होता है ना, मन
उसको सुनबे ना करते हैं। मन तो बोलेगा चलो झूमी तलैया चलते हैं, है ना। तो साला मन को तो सुनबे मत कीजिए, हम बता देते हैं, मन के जैसा कचड़ा और मन के जैसा ईमानदार कोई नहीं, समझे। सुनबे नहीं करना है, थकावट लग रहा है, चलो ठीक है थकावट लग रहा है, कुछ एक दिन जाएंगे जाना, डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, बस थकावट लग रहा है लगने दीजिए, समझे। पढ़ाने का मन नहीं कर रहा ना, पढ़ाइए, थोड़ी ना मर जाएंगे, पढ़िए थोड़ी, पढ़ते पढ़ते मर जाइएगा, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरा, आप लोग भी जीवित रहिएगा, ठीक है। वो कहावत है क्योंकि उन लोगों को बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का, समझे। पढ़ते पढ़ते कौन पागल होता है, चलो आइंस्टाइन बन गया पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, कौन बोलता है पागल हो गया। न्यूटन बन गया पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते पढ़ते हाँ ये होता है कि पढ़ाई के लिए पागल हो जाते हैं। अगर हमको कुछ, अगर हमको एक दो दिन भी अगर मैथ अगर नहीं मिले ना तो पता नहीं कह रहा पीट दे, ऐसा ना, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीडीएस में से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीडीएस में से, कॉन्सेप्चुअल है, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग बनाइएगा मत, मेरा बात को सुनिए। सीजीएल मेंस और केवल सीडीएस, ये से सीपीओ सबका क्वेश्चन है ये, इसीलिए धीरे धीरे करके बता रहे हैं, सुनिए। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है, ठीक है। इसी धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो यहां पर एक चीज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक धनराशि 7.5 साल में, ये ना 7.5 साल में, अभी आप लोग से पूछेंगे 7.5 साल में स्वयं का कितना गुना हो जा रही है, स्वयं का 11/8 गुना हो जा रही है। तो ये 11 क्या है, अरे बापा पार लियो अमाउंट, ठीक है, और ये 8 क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, सही है। लेकिन यहां पर एक बोला गया है कि यही धनराशि, क्या बोला है, यही धनराशि, धन न है ना, अधन न, धनराशि, यही धनराशि कितने वर्षों में, ये बोला है ना, यही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, 19/12। तो ये 19 क्या है और ये 12 क्या है। सर प्रिंसिपल कभी अलग होता है क्या, प्रिंसिपल कभी चेंज होता है क्या, नहीं ना। और वैसे भी ये बोल दिया है कि यही धनराशि, बट ये तो 11/8 तो रेशियो में है कि रियल में है, रेशियो में है ना। तो सर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है, मतलब 8 और 12 को सेम करना पड़ेगा, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, कितना, 24 होता है ना, मतलब इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वेरी गुड, ताकि रेशियो मेंटेन रहे, है ना। इसको करेंगे 2 से, इसको भी 2 से, इसको 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। तो ये आ गया आपका 33/24, ये आ गया आपका 38/24। तो कोई अब फर्क पड़ रहा है क्या, सर 11/8 तो अभी भी है ना, अभी भी ये 19/12 दो से काट देंगे तो 19/12, 3 से काट देंगे 33/24, है ना। अब बोला जा रहा है, समझिएगा मेरा बात,
सर 7.5 साल में हर बार जानते हैं गुड्डा गुड्डी के ऐसा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ये रंग कर रहे हैं ये रंग कर रहे हैं, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए 7.5 साल में 24 से कितना हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है ना ब्याज, 7.5 साल में 9 बढ़ रहा है ना। सर कितने सालों में 14 बढ़ेगा, ये बोला गया है ना, मतलब सर 7.5 साल में 9 बढ़ रहा है, 7.5 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 9/7.5, हमको निकालना है कितना बढ़ाना है, 2×14, ये गया यहाँ पर 0 आया, 7.5 से गया ये कितना बार में, डायरेक्ट काट देते हैं ना, 15 से 5 बार में, 15 से 6 बार में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14/84/5, ये ईयर हो जाएगा आपका 16.8 ईयर, ठीक है 16.8 ईयर है क्या ऑप्शन में, नहीं सर, अच्छा महीना पूछ दिया, चलिए ठीक है जी, अरे यार साल पूछा है ना, अभी तो अलग है भैया, देखिए देखिए उल्टा कर दिए, मतलब कि 9 बढ़ा है कितना साल में, 7.5 साल में, ठीक है 9 SI बढ़ा है कितना साल में, 7.5 साल में, ठीक है 1 SI बढ़ेगा आपका कितना, 7.5/9, हमको बढ़ाना कितना है, 14 बढ़ाना है ना, तो हमको 14 SI बढ़ाना है, हम ईयर बढ़ा दिए थे, 7.5/9×14 अब आंसर आ जाएगा, ये गया आपका 0, ये गया 15 से 5 बार में, 15 से 6 बार में, 2 से काट रहे हैं ये 3 बार में, 2 से काट रहे हैं ये 7 बार में, 7×5=35/3, ठीक है अब ये काटेंगे आपका 11 बार में जाएगा ना, और फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2/3, 2/3 बचेगा, ठीक है 11 2/3 आएगा ना, और ये आ गया आपका ईयर में 11 ईयर, और ये 2/3 आपका दिया हुआ है क्या ईयर में है ना, तो ईयर को मंथ में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक साल में कितना मंथ, 12 मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 को जब 12 से करेंगे ईयर में तो कितना आ जाएगा, ये 8 मंथ, ठीक है 11 साल 8 मंथ, ठीक है चलो ताल लीजिए, लॉन्ग से बनाया पंखा चला देते हैं क्या, ठीक है कौन कौन चलाने के पक्ष में चला रही है।
किसका किसका सिंपल इंटरेस्ट का आज पहला क्लास, एगो सपना का आना पहला किए थे। अच्छा तब ठीक है बाप, बचा लिए। आमिर किए थे ना पहला क्लास, तीन चार क्लास किए, तीन चार क्लास में हुआ। नहीं नहीं, दो दिन के लिए क्लास नहीं किए आप ना। आज तारीख कितना है आज, तो दो तारीख और तीन तारीख, दो दिन एब्सेंट हुए। दोनों का दोनों, दो तारीख वाला अपलोड है, कल वाला अपलोड नहीं है, आज कर देंगे। कहाँ गए थे आ? घर कब आए, परसों आ गए थे ना, कहाँ थे परसों और कल, तबियत खराब था। सपना का भी तबियत खराब होता है, बताइए, एक बार रो देते तबियत भाग गया था। हो गया ये वाला, सपना सपना का रोने से हर कोई खौफ खाता है, तो बोल रहे हैं सपना का तबीयत खराब था, बोले एक बार रो देते तभी तो भाग जाता। दोबारा डांटनी भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 27। 24 रुपए का धन कितने वर्ष और कितने महीनों में, कितने वर्ष और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर 56 रुपए हो जाती है। एकदम शांति से जिनसे हम पूछेंगे वो बताइएगा, आराम से बैठ करके बताइए, ठीक है। काजल ये क्वेश्चन पढ़ करके क्या अंदाजा हो रहा है आपको, व्हाट अंदाजा इन मन, ठीक है। 56% नहीं, 56 रुपए, वेरी गुड, शाबाश। देखें इसको बोलते हैं सही परख क्वेश्चन। अब आगे बताएंगे हमको प्लेन का, बताइए प्लेन का आगे क्या से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओहो, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक नीलू समझ में आ रहा बच्चा, हाँ इतना अपसेट कहाँ है आज, आप ज्यादा नहीं आए हैं क्या, कब आ रहे हैं, फ्रेंड लोग आती तब मजा आता है ना। ऐसे पुष्पा लता के साथ जब तक आरती नहीं रहेगी तब तो मजा नहीं आएगा उनको, लेकिन आजकल पुष्पा लता मनीषा को साथी बना लिए हैं, तीन लोग हैं सपना निर्मला और प्रभा, ये तीन लोग हैं, प्रीति और शबनम ये दो लोग हैं, आपको चारो
काजल वन मैन आर्मी। जिंदगी के राह में हम तो अकेले ही निकले। बड़ा मस्त शायरी मारे था इस दोपहर में। हाँ, जिंदगी की कठिनाई भी अजीब है, एक तरफ पढ़ाई तो एक तरफ लुगाई। और बच्चे लोग तो कहाँ पे हैं? बड़ा प्रिंस को बोले थे यार। हो गया ये बना किसी का क्या? आपको बोले बोले थे ना, वैसे शांत है। वेरी गुड, बोलिए चलिए। आ गया 8 साल 4 महीना 5 महीना। एक का 4 आया, एक का 5 आया। संजू क्या है आपका? 6 महीना 5 तो ऑप्शन। ओम नया डेविड संजू ना गोविंद पाल है। बट्टा में आया, कितना बट्टा आया बोलिए? 100/12। मतलब कि 8 महीना 1/3 4 मंथ है ना? ठीक है। सुनील आया, उन्हें बजरंगबली का जैसे सांप मिला था तो उनका शक्ति खो गया था, वैसे ही मेरा सुनील है अभी। समझे? कुछ याद करो। वही इनके सामने अभी गोविंद गाएंगे, तब जाकर के इनको अपनी शक्ति का एहसास होगा। इतना डिस्कशन करने पर तो भैया हम लोग अभी तक 3-4 को बना दिए होते हैं। चलिए यहां देखिए सभी लोग आइए। प्रिंसिपल इज की व्हाट? क्या दिया हुआ प्रिंसिपल? आए प्रिंसिपल दिया हुआ है 24। तो ऐसे प्यार से कभी कभी कलम को ऐसे पकड़े और ऐसे 24 लिखे। इसलिए लिया ऐसे 24 लिखे। और अमाउंट कितना हो गया आपका? 56। ठीक है, बाएं हाथ से कौन कौन लिखते हैं? खाली गोविंद लिखते हैं ना, मुन्ना आप लिखते हैं क्या? प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा 24 और अमाउंट क्या हो गया? 56। ठीक है, कैसा होता है हमको नहीं आता बाएं लिखने का। अच्छा, हम बाएं से सब सब इधर जो बैठते हैं उनको दिक्कत होता है ना। सर यहां देखिए ब्याज कितना बढ़ा? 32 बढ़ा। इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 2। ठीक है सर, और क्या दिया हुआ है? 16% रेट दिया हुआ है ना? रेट दिया हुआ है आपका 16%। ठीक है, क्या निकालना है आपको? टाइम, टाइम इन द फॉर्म ऑफ ईयर एंड मंथ। ठीक है, टाइम इन द फॉर्म ऑफ ईयर एंड मंथ। देन वी कैन पुट एसआई एंड पीपी एंड रेट एंड देन फाइंड टी नीचू सो। तो इधर आएगा आपका 32, प्रिंसिपल आएगा आपका 24, रेट वही तो दिया हुआ है 16, टाइम टी बटा 100। इसी को केवल सॉल्व करना है आप लोगों को बस। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 12 24 है ना? 4 3 12, 4 25 100, 25 जाएगा उन्हें 3 जगह नीचे 25/3। अब ये है ईयर में, बट नॉट इन द ईयर। सॉल्व ईयर एंड मंथ बोथ। तो कैसे सॉल्व करना है इसको?
सबसे पहले 25 बटा 3 ईयर है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 1/3 ईयर, ये लिख सकते हैं ना। ये ईयर 8 के लिए भी है और ये ईयर 1/3 के लिए भी है, तो आपका क्या हो गया 8 ईयर और 1/3 ईयर। जब ईयर में आता है तो उसको मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 4 और ये आ गया मंथ, 8 ईयर 4 मंथ। दिस इज कॉल्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, मेरा अंग्रेजी ही मेरा पहचान है। कोई बात नहीं, हर नया चैप्टर से हम किसी ना किसी का बढ़ने को उम्मीद करते हैं। इस नया चैप्टर से एगो रणवीर बढ़े थे, वेरी गुड। रणवीर समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत? दिक्कत ठंडा ठंडा पिलाएंगे हम लोग, कोई ठंडा ठंडा पिलाओ भाई इनको। ये कंजड़वा खर्चा करेगा। उस दिन 500 वास्ते इतना कांदा है हमारे सामने, मत पूछिए एकदम। कभी कैबिनो आ करके बोला है, सर 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 गलती से भावना में पा गए सर, हाँ जी 500 वापस कर दीजिए। मुँह देख के तरस आ गया था हमारा। बोलते क्या हो, हम बोलेगा बोली बहुत पार्टी बहुत दिख रही है। हां तो हमें हां मिला है, हां हम हां पे हां कुछ नहीं मिला है, मिला है बाद में छा गया। कौन है? जीतू सर। सर गुड इवनिंग सर। हां सही बात है, छोड़ देते हैं क्या, लेट हो जाएगा फिर आप लोग का। 3:15 तक घुस जाइएगा सब लोग, ठीक है, कहे कि 3:15 में चालू कर देंगे। आइए सर, आइए सर, आइए। सिंपल एग्जाम्स का रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा आप लोग कृपया करके अच्छा से। यस सर।